वेलकम टू PCMB डिजिटल गुरुकुल। आज हम आंध्र प्रदेश का NTSC स्टेज वन का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 2019-20 में हुआ है। हम केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे। फाइंड द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस अमंग Al3+ Mg2+ O2- F-। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब ये होता है कि ये जो होते हैं इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसका साइज क्या होता है, कम हो जाता है। तो हम बात करें तो एल्युमिनियम का साइज सबसे कम होना चाहिए, फिर मैग्नीशियम का, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा। तो ये इसका आंसर जो होगा 3 ठीक होगा। एलिमेंट्स ABCD हैव एटॉमिक नंबर्स 9, 10, 11, 12। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज, अगर मैं बात करूँ तो 9, 10, 11, 12, तो 9 फ्लोरीन है, 10 आपका नियोन है, फिर Na है, फिर आपका Mg है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी हुआ है वो नियोन का है। ABCD के हिसाब से अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो ABCD, तो नियोन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये एक केमिकली इनर्ट गैस है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल्ली पेयर्ड हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो सबसे ज़्यादा बी का होगा। फिर अगर मैं साइज़ के हिसाब से देखूं और ग्रुप पीरियड के हिसाब से देखूं तो फ्लोरीन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें साइज़ भी इसका बहुत स्मॉल है, तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल है। तो सबसे ज़्यादा बी का, फिर ए का। अब सी और डी की बात करें तो सी और डी में साइज़ जो है वो डी का छोटा है एज़ कम्पेयर टू सी। अगर साइज छोटा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है, तो वहाँ से मुश्किल है। तो BA DC, तो आंसर 4 जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ दिस स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में जो होता है वो आयरन होता है, क्रोमियम और निकल, ये आपका कंपोजिशन रहता है। इफ़ वी एडिड FeSO4 टू द एबव 4 टेस्ट ट्यूब, इन विच टेस्ट ट्यूब वी ऑब्जर्व ब्लैक रेजिड्यू। पर की बात करूँ तो कॉपर के साथ आपका FeSO4 रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो टेस्ट ट्यूब ए में कोई चेंज, सिमिलरली टेस्ट ट्यूब सी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। बी और डी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें आपका जो आयरन है वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा एज अ ब्लैक रेजिड्यू। तो बी एंड डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। इसके हम बात करें इथेन में जो होता है, इथेन का जो मॉलिक्यूल होता है आपका होता है CH3, तो इसमें 2 sp3 कार्बन होते हैं, तो ए का हो जाएगा 3। इथाइलिन होता है CH2, डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें 2 होते हैं, 2 sp2 कार्बन होते हैं, तो इसका हो जाएगा 4। अगर मैं एसिटिलिन की बात करूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसमें क्या होता है, 2 sp होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। बेंजीन का जो बच गया, इसमें क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, sp2 कार्बन, तो इसका क्या हो जाएगा 2, तो 4312, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। सेट ऑफ द एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, तो सेम ग्रुप से कौन से एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है 4 जो है वो आपका बेरिलियम है, 12 आपका मैग्नीशियम है, 20 आपका कैल्शियम है, और 38 आपका स्ट्रोंशियम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा तो होगा आपका नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा,
फिर कार्बन है, फिर फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन हो जाएगा। इसमें आप PbNO3 जो है ऐड कर रहे हो Ki में, तो इस रिएक्शन को आप बोलते हो गोल्डन रेन इक्वेशन। इसमें बहुत खूबसूरत आपके गोल्डन कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं PbI2 के, येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं, तो इसी को गोल्डन रेन इक्वेशन मिलते हैं, तो आपका आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा। IUPAC नेमिंग करें 1, 2, 3, 4, तो 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बुटानोइक एसिड, तो तीसरा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसमें। तो एन एटम बिलोंग्स टू थर्ड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप मीन्स होता है बोरोन ग्रुप, बोरोन फैमिली। एंड अनदर एटम बी बिलोंग्स टू सिक्स्थ ए ग्रुप यानी ऑक्सीजन फैमिली। तो जो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी A2B3 सिमिलर टू Al2O3, इस तरीके से आप एक देख सकते हैं। अलाउएबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 4s 3p एंड 5d, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ L इक्वल टू में 0 4s 1 4p 2 4d। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, एन इक्वल टू में 4, एल इक्वल टू में 0 4 4s, एल इक्वल टू में 3, एल इक्वल टू में 1 4 3p, एन इक्वल टू में 5, एल इक्वल टू में 2 4 5d। आंसर 4 इज करेक्ट। आइसोटोप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट, तो ठीक है, आइसोटोप्स आर द स्पीसीज विद द सेम नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये बात गलत है। ठीक है, आइसोटोप्स आर द स्पीसीज हैविंग द सेम एटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आपका रीजन जो है वो गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा 4th रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें हम, तो बॉन्ड के अलोंग उसकी एनर्जी दे रखी है। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड होता है। तो ए का हो जाएगा 4th, Br अगर रहेगा तो उसका बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू HBr, तो बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम, तो Br2 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 193, HCl का हो जाएगा 432 और HBr का हो जाएगा 366, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम, इसका सिंपल लॉजिक यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।